दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से घेर लिया है। हम हर तरीके से घिरे होते हैं अपने चारों तरफ नए नए गैजेट से और ऐसी बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जो कि आज की तारीख में एक नमूना है। लेकिन आने वाला समय क्या होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन इसकी कुछ झलक मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके हाथों में आने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट्स जिनको आप अपने हाथों में लेकर विश्वास नहीं कर पाएंगे। और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है इसी साल से। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस सफ़र की, जहां पर हम जानेंगे कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में जो कि बहुत जल्दी हमारे हाथों में होने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन कुमार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी लेकर आता हूँ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी गैजेट्स की इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस डुओ। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में अपने इस सर्फेस सीरीज से इंट्रोड्यूस कराया है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगले साल तक कुछ ऐसे गैजेट्स मार्केट में उतारने वाले हैं, जिनमें से उनका सबसे इम्पोर्टेंट गैजेट है सर्फेस डुओ। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं अपनी लाइफ में, जो कि हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए खास तौर पर निकाला है सर्फेस डुओ, जो कि एक फोल्डेबल फ़ोन होगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर स्क्रीन फोल्ड ना करके उन्होंने डबल स्क्रीन के ऑप्शन को दिया है, यानी कि आप यहां पर एक ही फ़ोन में दो स्क्रीन का इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, एक तरीके से आप इसे मिनी लैपटॉप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लगा है स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर, जो कि काफ़ी पावरफुल है। वहीं दोस्तों, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की माने तो ये स्मार्टफोन अगले साल तक हमारे हाथों में आने वाला है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। तो आपके क्या व्यू हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नोकिया 2720 फ्लिप। दोस्तों, अगर आप नोकिया को बहुत मिस करते हैं तो ये खबर आपको बहुत खुश कर देगी। हालांकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और वो एक बेहतर हाई टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने नोकिया 1100 को नहीं भूलते। अगर आज भी कहीं बात आती है तो हम उसे ज़रूर याद करते हैं। लेकिन नोकिया ने अभी हाल ही में लॉन्च किए हैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन जो मार्केट में अवेलेबल होने वाले हैं। उन्हीं में से नोकिया का यह एक फ्लिप, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रखा है, क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा कीपैड सपोर्टेड फ़ोन है जहां पर आप बहुत सारे फीचर्स का मज़ा ले सकते हैं, जिन्हें आप अपने फ़ोन में देखते हैं, यानी कि आप इस फ़ोन में फेसबुक और व्हाट्सएप भी चला सकते हैं। और दोस्तों, नोकिया ने अपने सिग्नेचर फीचर यानी कि छोटी सी डिस्प्ले को बरकरार रखा है और हमें साथ में एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है। दोस्तों, आप इसे ट्रैवलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बैटरी बहुत कम खाता है और इसमें आपको मिल जाती है 1500 mAh की बैटरी, जो कि इस फ़ोन को काफ़ी पावरफुल बनाती है। नोकिया लवर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, अगर आप कीपैड वाला फ़ोन परचेस करना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। गैलेक्सी फोल्ड। दोस्तों, अभी हाल ही में सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी फोल्ड की रीबुकिंग चालू की है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये फ़ोन लोगों के बीच, क्योंकि इसमें सैमसंग पहली बार दे रहा है एक ऐसी फोल्डेबल स्क्रीन जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ना सिर्फ देखने में बल्कि बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस होती है। साथ ही इस डिस्प्ले की खास बात यह है कि यह फ्लेक्सिबल होती है और इसे आसानी से मोड़ सकते हैं। सैमसंग की तरफ से इस फ़ोन में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कराए गए हैं जो इससे पहले कभी भी सैमसंग ने ये फीचर्स नहीं दिए थे। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर, जो कि 12 GB की रैम के साथ आता है। अगर आप चाहें तो इसे गेमिंग प्रोसेसर भी कह सकते हैं। साथ ही इसमें मिल जाता है आपको ट्रिपल कैमरा, जो प्राइमरी कैमरा 16 MP और 12 MP डेप्थ सेंसिंग कैमरा और 12 MP वाइड एंगल लेंस के सपोर्ट के साथ आता है। वही दोस्तों, इसका सेल्फी कैमरा 12 MP का होता है, जो आपको एक्स्ट्रा हाई डेफिनेशन इमेज प्रोवाइड कराता है। आप इसे फ्यूचर स्मार्टफोन भी कह सकते हैं। इसमें आपको 4G कनेक्टिविटी के साथ 5G कनेक्टिविटी भी दे रखी है, जो कि आने वाले समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसा बेहतर टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, दो फोन और हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और हमको कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।